नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेट इन्फो वेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ संत कबीर धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। दोस्तों यह ट्रेन गोरखपुर से मुंबई के बीच में रोज़ाना चलती है। यह डेली ट्रेन है और इस ट्रेन का नंबर है 125/41। यह ट्रेन 680 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है और इसका जो ट्रेवल टाइम है वो है 30 घंटे 10 मिनट। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है दोस्तों 56 किलोमीटर पर आर और इसके तकरीबन 17 स्टेशंस हैं। इसमें LHB कोचेस दिए गए हैं जो स्पीड और सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे अवेलेबल हैं। सेकंड एसी का किराया है 2575 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 1730 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 670 रुपये, जनरल डिब्बे का किराया है 380 रुपये। यह अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे वेबसाइट पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके टाइम टेबल की। यह ट्रेन गोरखपुर जंक्शन से रोज़ाना रात को 9:50 पर 9 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। दूसरा इसका स्टेशन आता है खलीलाबाद स्टेशन, जहां पर यह 10:28 पर रात को पहुंचती है और यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। अगला इसका स्टेशन आता है बस्ती स्टेशन, जहां पर यह रात के 10:57 पर पहुँचती है और यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉप है। इसका जो अगला स्टेशन है वो है वभनान स्टेशन, जहाँ पर ये 11:30 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है गोंडा, जहाँ पर ये 12:25 पर पहुँचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन है बादशाह नगर, जहाँ पर ये 2:57 पर पहुँचती है और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन है वो है एराबाग, जहाँ पर ये 3:28 पर पहुँचती है और 15 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों कानपुर सेंट्रल, जहाँ पर ये सुबह के 5:25 पर पहुँचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है पुखराया स्टेशन, जहाँ पर ये सुबह के 6:35 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है औराई, जहां पर ये 7:15 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन है झांसी जंक्शन, जहां पर ये 9:30 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला जो इसका स्टेशन है दोस्तों वो है भोपाल जंक्शन, जहाँ पर ये 1:45 पर दोपहर को पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है इटारसी जंक्शन, जहां पर ये दोपहर के 3:20 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला जो स्टेशन है वो है खांडवा जंक्शन, जहां पर ये शाम के 6:05 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है भूसावल जंक्शन, जहां पर ये शाम के 7:50 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। सेकंड लास्ट इसका स्टेशन आता है इगतपुरी, जहां पर ये रात के 1 बजे पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। आखिरी जो इसका स्टेशन आता है दोस्तों वो है लोकमान्य तिलक टर्मिनल, जहाँ पर ये सुबह के 4 बजे पहुँचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसमें पेंट्री कार्ड भी शामिल है दोस्तों, जहां से हमें फूड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं टिकट के अलावा भी। इसी के साथ ये वीडियो की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।